रिप्रेजेंटेशन है 3D में, जो रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? 11th क्लास में कई सारे रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे, 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, वेज रिप्रेजेंटेशन। कौन सा है ये? वेज रिप्रेजेंटेशन। क्या रिप्रेजेंट करता है ये 3D में? देखो 2D में रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 2D में हम 3D शेप को डिफाइन कर पा रहे हैं और उसको समझ पा रहे हैं, वही क्या है? रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो कई सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं, वेज रिप्रेजेंटेशन होता है, 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन होता है, फिशर रिप्रेजेंटेशन होता है, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में आपने 11th में दो ही पढ़े थे, वेज और 100 हॉर्स, है ना? तो इसमें ये है वेज रिप्रेजेंटेशन। वेज रिप्रेजेंटेशन में ये जो दोनों सिंपल लाइन है, कौन सी सिंपल लाइन? एक तो ये वाला हाइड्रोजन की और एक ये वाला हाइड्रोजन की। ठीक है, तो ये वाली जो सिंपल लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? सिंपल लाइन की जो बॉन्ड है वो हमारा किस पे है? ऑन द प्लेन। किस पे है? प्लेन पे है। प्लेन मतलब वो हवाई जहाज तो नहीं है, प्लेन मतलब कोई ऐसी सरफेस जिस पे हम मॉलिक्यूल रख रहे हैं, तो वो दोनों बॉन्ड किस में है? प्लेन पे है, उस सरफेस पे है। अब ये वाला जो आ गया ये आपका, ठीक है, ये आपका कौन सा आ गया? ये वेज, वो क्या इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड बॉन्ड। ये हो गया आपका सॉलिड बॉन्ड। ठीक है, तो जो सॉलिड बॉन्ड है ये सॉलिड बॉन्ड आपका क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर मैं ये सरफेस है और मैं इधर से देख रहा हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं, तो ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड सरफेस से निकलते मेरी तरफ को आ रहा है, इसका मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर बॉन्ड। अगर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा, मान लो मैं ऑब्जर्वर हूं, ये बॉन्ड मेरी तरफ को आ रहा है, प्लेन से निकल के मेरी तरफ को आ रहा है, तो मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा इसको? सॉलिड लाइन से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? और ये अगर स्क्रीन से पीछे की तरफ को बॉन्ड जा रहा है, किधर की तरफ को बॉन्ड जा रहा है? पीछे की तरफ को बॉन्ड जा रहा है, मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है बॉन्ड, तो मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा? डैश लाइन से। क्या? किस लाइन से? इसको बोलते हैं डैश। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉलिड। इतनी बात समझ आई? ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया वेज रिप्रेजेंटेशन, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन समझ में आ गई। अब थोड़ा सा अगर